बालू उठा के लेने के लिए पैसा खरीद हजारी बाग इस सच्चाई बात है भैया, पहले ट्रैक्टर चल बोलिए। अब बलुआ गिरा दो ये तो कस्टमर काल गए, अरे यार तुम इतना गंदा बालू कहाँ से गिरा दिया है। मैंने कहा देखिए चाचा, वीरों की धरती जवानों का देश और बेचते बेचते बालू उड़ा दिए केस, फिर भी कस्टमर बोलता है जे तू बलुए नहीं लाता है फ्रेश। अरे भैया बलुआ तो हम लाइए देते फ्रेश, लेकिन कहा कहे हमको लेबरे नहीं मिलता है बेस, और मारे सेल्फ हो गए रेस। इतने तो कस्टमर ने हमको रोका, बोला बाबू दे दिया तू हमको धोखा, और बालू गिराएगा गंदा तो बंद हो जाएगा तेरा धंधा, बलुआ तो हम तुम्ही से लेंगे लेकिन ये गाड़ी का पैसे भी नहीं देंगे। मैंने कहा चाचा जितना मर्जी है डांटते लेकिन ये गाड़ी का एक रुपया नहीं काटी। अरे आपसे पहले ही बात हुआ था फोन पर, मेरा गाड़ी है टोटल लोन पर, अगर आप लोग ही ऐसा करेंगे तो गाड़ी का किस्ती कहाँ से भरेंगे, चलाने का जाता है 340 के तक बचता है गाड़ी के मालिक के। कस्टमर ने बोला ठीक है मैंने तेरे बात को माना, लेकिन अगली बार ना बढ़िया से बढ़िया बालू लेके आना। मैंने कहा आपके लिए ना लेबर से लड़ जाऊंगा, मार के समतल बढ़िया से बढ़िया बालू लेके आऊंगा। कस्टमर ने बोला अरे है तो ड्राइवर पर सैर जैसा दिखता है। मैंने कहा सैर जैसा दिखता है तभी तो इसका बालू हजारीबाग में इतना ज्यादा दिखता है। कस्टमर ने बोला तुझसे बहस करके हो गई मुझसे खता, अगर हो सके तो बता दे अपना नाम और पता। मैंने कहा मेरा नाम है दिलीप कुमार वर्मा, घर पड़ता है गौरिया कर्मा। कस्टमर ने बोला तू डेली हजारीबाग बालू लेके आता है, अच्छा रहता फिल्म सिटी बम्बई का है नहीं चला जाता है। मैंने कहा फिल्म सिटी बम्बई जाने का ख्याल आज भी मेरे दिल में आता है, लेकिन क्या कहें चाचा, गरीबी एक ऐसा चीज है कि कला और कलाकार दोनों को खा जाता है।